चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वह फिल्म आज बिहार झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात करें भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर के बारे में। आपको बता दें कि फिल्म को आज पूरे भारत में रिलीज कर दिया गया और फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग भी मिली है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म का पहला शो थोड़ा कम ओपनिंग मिली है क्योंकि होली खेलने की वजह से सिनेमाघरों में थोड़ी कम भीड़ देखी गई, लेकिन उतनी भी कम भीड़ नहीं देखी गई सिनेमाघरों में। हालांकि आपको बता दें कि क्रैक फाइटर में जिस तरीके से पवन सिंह का एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है वो काबिलिए तारीफ है। जी हाँ, एक बार फिर से पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में दर्शाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और सिनेमाघरों में दर्शक जमकर पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं करीब 3 साल के बाद एक बार फिर से पवन सिंह निधि झा के साथ जोरदार आइटम तड़का और रोमांस करते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं पहली बार पवन सिंह संचिता बनर्जी के साथ फिल्म में नजर आते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो क्रैक फाइटर में पवन सिंह का अवतार दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वहीं बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत, जो कि पहली बार पवन सिंह के साथ भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं, उनका किरदार दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। जी हां, पवन सिंह और प्रदीप रावत पर एक्शन फिल्म आया हुआ दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और उनके एक्शन सीन पर दर्शक जमकर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो क्रैक फाइटर दर्शकों के दिमाग में रखकर बनाई गई है, तभी तो फिल्म पहले दिन ही पूरी तरह से हाउसफुल देखी जा रही है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक फिल्म क्रैक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर जाकर देखें, क्योंकि क्रैक फाइटर में पवन सिंह पहली बार चांदनी सिंह के साथ भी नजर आते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो क्रैक फाइटर फुल ऑन पारिवारिक तो नहीं, लेकिन एक्शन पैक फिल्म है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आ रही है।